हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल भगवत सिंह राठौर, मेरे साथ हैं विजेंद्र पटेल पटेल सर, और आज जब हम गुरुनीति का फोर्थ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके अंदर हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है न्यूटन्स लॉ मोशन एंड फ्रिक्शन। आपको सबको पता ही होगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये फिजिक्स का बेस है जिसके अंदर अपन को बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने होते हैं और उसके बाद में एप्लीकेशन आते हैं बहुत सारे। यूँ मान लीजिए कि ये अपना जो फिजिक्स है उसका ABCD है, ये टॉपिक यदि हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ तो आगे का एक टॉपिक जो अपन को इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर इसी का ही यूज होता है। तो अपन इसको डिस्कस करते हैं। हमने कवर करने की कोशिश किया सारे कॉन्सेप्टों को, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट, तो हम इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू ब्लॉक ऑफ 4 kg एंड 6 kg आर अटैच्ड बाय द स्प्रिंग, दे आर हैंगिंग इन अ वर्टिकल पोजीशन, लोअर स्प्रिंग ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द ब्रेकिंग। देखो क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है कि ये आपको दो स्प्रिंग दे रखी है, इसका K ये दे रखा है, दूसरी स्प्रिंग का K ये दे रखा है, ये 4 kg और 6 kg है, ठीक है। और ये पूछा क्या है कि ये ब्रेक हो जाती है। अच्छा, ये ब्रेक हो जाएगी। हाँ, इसका एक्सेलरेशन मतलब 4 kg वाले का 4 kg का एक्सेलरेशन पूछा है। अच्छा, तो जब उसको ब्रेक हो जाएगी तो सर, मैं ऊपर वाले का ड्रॉप बना रहा हूँ डायग्राम 4 kg का, और यहां पर जो है फोर्स KX फोर्स होगा, स्प्रिंग का फोर्स होगा, ये स्प्रिंग का जो फोर्स है वो, और यहां से जो स्प्रिंग है वो एक टूट गई है, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 4G, ठीक है सर। अब ये जो 4X है, ये सर जो प्रीवियस फोर्स था वो वाला फोर्स रहेगा, मतलब इसके ब्रेक होने से पहले वाला जो फोर्स था वो था। अच्छा, वो फोर्स रहेगा, मतलब स्प्रिंग जो है वो थोड़ी देर तक वैसे ही बिहेव करेगा। हाँ, स्प्रिंग जो होती है वो नॉन इम्पल्सिव होती है, मतलब वो सडनली अपने फोर्स को चेंज नहीं करती है, नहीं, क्योंकि वो जो स्प्रिंग का फोर्स सर होता है वो KX होता है, ठीक है। तो X के अंदर तो सडनली चेंज आएगा नहीं, आएगा तो स्लोली स्लोली आएगा, ठीक है। तो जो स्प्रिंग फोर्स रहता है KX है, वो का वही रहेगा जो पहले का था, जो पहले था। हाँ, पर सर ये अपन है ना अभी इंस्टेंट पर कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद में करेंगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन तो अलग आएगा। हाँ, अपन अभी जस्ट ब्रेक कर रहे हैं, उस समय का कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए सर है ना अपन को पहले का KX फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, अपन सर इसमें ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे को एक सिस्टम ले लेते हैं। अच्छा, और इसको पूरा सिस्टम ले लो तो मतलब टोटल जो फोर्स लगेगा वो 4 और 6 kg की वजह से लगेगा। हाँ, तो इस सिस्टम पर ये लगेगा 10G रहेगा, और यहाँ ये स्प्रिंग फोर्स लगा रही है KX, और ये इक्विलिब्रियम में, तो सर KX को हम क्या ले लेंगे, 10G ले लेंगे, ठीक है सर। ये स्प्रिंग है वो इंटरनल होगी, अब ये वाला स्प्रिंग जो कट करेगी, हाँ ये इंटरनल होगी, ठीक है। तो अपने पास ये जो आ गया वो आ गया 10G आ गया। अच्छा, तो अब जो साफ साफ हो गया सर कि ऊपर लग रहा है 10G और नीचे लग रहा है 4G है, 4G, तो इसका एक्सेलरेशन रहेगा ऊपर की ओर, ए ऊपर की ओर रहेगा, तो अपन लिख लेते हैं ये आ जाएगा 10G - 4G। हाँ सर, 10G माइनस 4G डिवाइड बाय 4A, तो ये अपने पास आ गया, ये आ गया 60 डिवाइड बाय 4 = एक्सेलरेशन, तो आ गया ये 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा भागवत सर, जैसे इसमें अभी ये इसका पूछा गया है 4 kg का, हाँ, और अगर 6 kg का पूछता मगर टूटने के बाद तो वो जी रहता क्या? हाँ सर, वो फिर जी रहता, क्योंकि वो तो फ्री फॉल हो रहा होता। अच्छा, मतलब फिर वो अर्थ के कंट्रोल में आ गया, अर्थ के कंट्रोल में आ गया, तो वो जी रहेगा। इसका सर है ना वो यूज आगे जाकर बहुत आएगा, जब अपने मोमेंटम कंजर्वेशन पड़ेगा ना, तो चाहे स्प्रिंग कंप्रेस भी हो और उसके हीट करेगा ना तो भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसे क्योंकि फोर्स सडनली चेंज होता नहीं है, ठीक है। इसलिए सर अपन इसका आगे काफी अच्छा यूज है, इसलिए अपने पहले क्वेश्चन सर ये लिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इट इज एंड इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F = 2T, where T is in second, the coefficient of static friction between the block and the horizontal surface is mu s, the friction force F develop between the block and surface versus force Fm plot is as shown in figure, the velocity of the block at T. तो देखो सर, इसमें जो हमें क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है, इसमें पूछी गई तो सबसे पहले वेलोसिटी है। अच्छा, इसमें वेलोसिटी पूछी गई है। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इसमें एक चीज जो है, जो फोर्स है ना वो वेरी कर रहा है। अच्छा, ये फोर्स भी वेरी कर रहा है जो अपन ने अप्लाई कर रहे हैं बाहर वाला। हाँ, जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम खींच रहे हैं। तो इसका मतलब सर फिर तो ये हुआ कि स्टैटिक फोर्स भी वेरी करेगा।
हाँ स्टैटिक फोर्स भी वेरी करेगा। अच्छा, और स्टैटिक फोर्स करा तभी हमने यहाँ पे क्या बनाया, ये ग्राफ बनाया। अच्छा तभी ये, अच्छा ये है सर स्टैटिक फ्रिक्शन का, सॉरी फ्रिक्शन का ग्राफ है। हाँ, और ये है जो एप्लाइड फोर्स है उसका ग्राफ। हाँ ये उसका ग्राफ है, उन दोनों के बीच का उन्होंने ग्राफ बना लिया। अच्छा उसमें सर मुझे एक बात समझ में आई, ये 1N लिखा ये क्यों लिखा है? देखो सर ये जो पॉइंट आएगा ना, हाँ सर ये मैक्सिमम फोर्स आएगा, मतलब यहाँ तक तो ब्लॉक रुका रहेगा। अच्छा मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो सर अपन एक बार ये निकाल लेंगे अब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का, ये निकालो सर। तो म्यू एस सर कितना है? 0.2 0.20 इनटू मास हमारे पास दे रखा 2, इसका n n किसके बराबर आएगा? 2g के, 2g के बराबर आएगा। तो सर अपन इसको लिख लेते हैं 2 × 10 20 आ गया। ठीक है तो ये तो सर आ गया 4। अच्छा तो आप सर ये कहना चाह रहे हो कि ये जो काइनेटिक है वो उससे एक कम रहेगा, उससे एक कम रहेगा। हाँ जैसे ये आपने लिखा ये मैक्सिमम फोर्स आ गया हमारे पास। हाँ सर तो ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अभी 4 न्यूटन, मतलब यहाँ तक तो अभी बॉडी रेस्ट में रहेगी। हाँ मतलब इसे 3.99 तक रेस्ट में रहेगा। तो सर फिर तो ये हुआ कि वेलोसिटी निकालने के लिए पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वो स्टार्ट कब होगा। हाँ तो उसको अपने चेक कर लेंगे। अच्छा जैसे ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो, अच्छा मतलब ये आप ये बोलना चाह रहे हो कि 2t जब 4 होगा तब ये स्टार्ट होगा। स्टार्ट तो सर मैं यहाँ लिख लूँ 2t इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, इसका मतलब ये होगा कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब देखो जब आप अभी बात कर रहे थे ये कैसे हमारे पास जैसे ये है। हाँ तो मतलब ये अब ये जो ग्राफ ब्लैक चल रहा है यहाँ से चल रहा है। हाँ तो मतलब ये हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल गई। अच्छा तो काइनेटिक होगा 3 न्यूटन। हाँ 4 में से एक को माइनस कर देंगे। हाँ तो मेरा कहने का मतलब है ये जो आ जाएगा ये 3 न्यूटन आ गया। हाँ इसको मैं लिख देता हूँ एफ के। बिल्कुल सर ठीक है सर। तो अपन अभी नेक्स्ट पेज पर चले जाए क्योंकि आपने डेटा तो ऑलमोस्ट याद हो गया। 2 kg ब्लॉक है, 2 kg और काइनेटिक फ्रिक्शन 3 न्यूटन लग रहा है और ये फोर्स 2t लग रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, इधर सर लिख रहा है 2t और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है हमारे पास 3 न्यूटन और इसका मास 2 kg दे रखा है, दे रखा है 2 kg। और पूछा सर क्या इसके अंदर? हमसे वेलोसिटी पूछी गई सर। अच्छा इसमें वेलोसिटी पूछी है। अच्छा इसका मतलब न्यूटन्स लॉ मोशन को और काइनेमेटिक्स को कंबाइन किया, कंबाइन करा गया, मतलब इसमें इंटीग्रेशन लगेगा हमें। अच्छा ठीक है सर। तो इसका सर मैं एक्सीलरेशन लिख लेता हूं। एक्सीलरेशन लिख लेते हैं अपने लोग। ए इज इक्वल टू 2t माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया हमारे पास। तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया t माइनस 3/2 इसको डीवी बाई डीटी लिखेंगे। हाँ सर क्योंकि टाइम पर डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है तो ए इक्वल टू जाएगा डी बाई डीटी, डीवी बाई डीटी आ गया डीटी। तो ये टी माइनस 3/2 आ गया। इसको सर हम मिटा दे, आपका काम तो आ गया नहीं है, काम नहीं है। तो सर डीवी इंटीग्रेट कर लेते हैं, डीवी इक्वल टू टी माइनस 3/2 और ब्रैकेट डीटी का इंटीग्रेशन। हाँ अब ये अपने लोगों ने डिसाइड कर लिया कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अभी लोगों ने लिखा था t इक्वल टू कहाँ से 2 सेकंड पे आ रहा था। तो मतलब है कि इंटीग्रेशन लिमिट जो आएगी हमारे पास जो स्टार्ट होगा वो तो 2 सेकंड से स्टार्ट होगा। अच्छा और जो वेलोसिटी ने पूछी। अच्छा, आप ये बोलोगे t इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं करना है ना, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि उसमें जो हमारे पास जो अभी ग्राफ था ना जिससे स्टैटिक फ्रिक्शन जो था। हाँ सर जैसे ये अपने लोगों ने ये ग्राफ बनाया। हाँ सर ठीक है। तो अब ये अच्छा आपने ये फाइंड किया था कि ये सर हमने शायद फाइंड किया था t इक्वल टू 2 आया था हमारा, या 2 सेकंड आ गया था। अच्छा अच्छा और ये इसका आगे काइनेटिक फ्रिक्शन था, मतलब ब्लॉक हमारा यहां से स्टार्ट होना। अच्छा t इक्वल टू 2 से बाद स्टार्ट हुआ। हाँ। तो ये हो गया 2 to 4 हो गया और 0 to 0 भी हो। अच्छा ये 0 इसलिए रहे कि वहां से 0 से स्टार्ट हुआ। 0 से स्टार्ट हुआ ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है v। इंटीग्रेशन सर अब t² / 2 - 3/2 टी और लिमिट की वैल्यू लगेंगे 4 और 2। इसको सर एक बार सीधा पुट करते हैं, ये आएगा 16/2 8, ये 8 हो जाएगा माइनस 6 बचेगा। ठीक है माइनस ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा माइनस का 3 बचेगा। तो ये सर हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1 तो ये आ गया 3 सेकंड आ गया 3 मीटर पर सेकंड। तो सर अपना ऑप्शन देख लेंगे। हाँ ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन सर 4th सही है, ये ऑप्शन 4th सही होगा सर। तो 4th सही है। ओके सर तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ सर सर कंबाइन किया तुमने, मतलब इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन भी आ गया और स्टैटिक फ्रिक्शन भी आ गया और जो फोर्स वैल्यू रहा वो भी आ गया, वो भी आ गया और काइनेमेटिक्स भी आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन है, एक ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस ऑन द सरफेस विद अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय y = x³ / 6 इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट व्हिच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट द स्लिपिंग।
अच्छा तो यहाँ सर इसमें क्या किया है कि अपन को जो सरफेस दिए ना, अच्छा उसका कर्व दे रखा है, कर्व दे रखा है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, तो यूं मान लो सर इस टाइप से दे रखा है, ये अपन यदि इसको एक्स लेते हैं ठीक है और इसको वाई लेते हैं तो इस टाइप से है। अच्छा ये जो ग्राफ दे रखा है वो बना रहे हुए हैं? हाँ वो कर्व वो एक्स क्यूब की टर्म में दे रखे और ये आपको इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ, अपने आएगा काम x³/6। अब सर इसमें ये पूछा गया है कि ब्लॉक को किस हाइट तक रख सके सो दैट की स्लिप नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब सर ये हुआ कि यदि मैं ब्लॉक को यहाँ रखता हूँ, जैसे यहाँ रखता हूँ तो इधर एक एम जी सेंटीटर आएगा, एम जी सेंटीटर आएगा और ये एन इधर आएगा, नॉर्मल एक्शन आएगी, एम जी कॉस इधर आएगा, ठीक है। तो भागवत सर इसमें आपने थीटा कैसे माना, क्या माना, कैसे निकालोगे ये? सर थीटा तो वेरी करता रहेगा, वो अपन अभी निकालते थीटा से ऐसे निकालना पड़ेगा, थीटा देखो मैंने इस सरफेस के अकॉर्डिंग लिया। अच्छा मतलब उस पॉइंट पर आपने टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट बना, तो ये जो थीटा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अपनी हैबिट पड़ी हुई ना वो इंक्लाइन प्लेन की सीधी सीधी, ठीक है ठीक है। तो ये ऐसा है, इसका मतलब सर एक बात तो समझ में आ रही है अपन को कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे ये जो थीटा बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो एम जी साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा ट्राई करेगा कि ये मूव हो जाए, ठीक। तो जब एम जी साइन थीटा, अच्छा इसको एम जी साइन थीटा मूव करने की कोशिश करेगा और जो फ्रिक्शन है वो रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये स्लिप तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे म्यू एन और एम जी साइन थीटा, म्यू यहां से एम जी है वो तो इसके बराबर रहेगा, ये तो सर मैं स्लिपिंग के बता रहा हूँ कि ये होगा तो स्लिप हो जाएगा, इक्वल होगा तो भी स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया कि यदि टेन थीटा का वैल्यू एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू यदि म्यू से ज्यादा हुआ तो ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब इतने थीटा तक वो स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। तो सर इसमें टेन थीटा कैसे निकालो, थीटा तो दिया ही नहीं है हमें सर, थीटा अपन इसको डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, अपने पास एक फॉर्मूला होता है स्लोप का dy/dx, अच्छा तो उससे आ जाएगा, वो टेन थीटा होता है, ठीक है। तो वो अपन निकाल लेंगे, तो सर अपन मान लेते हैं कि इस थीटा पर वो स्लिप होना स्टार्ट होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम है, उससे पहले स्लिप नहीं हो रहा है और इसमें पूछा भी यही है कि किस हाइट तक रखें, तो ये हाइट जो है सर अपन वाई की टर्म में ले लेंगे क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ऐसे वाई है, तो इस पर अपन को निकालना है कि किस कंडीशन पर टेन थीटा का वैल्यू म्यू के इक्वल हो रहा है, इक्वल हो जाए या उससे ग्रेटर है, ग्रेटर तो स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल मैक्सिमम मतलब उस साइड से ऊपर वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमसे पूछा भी सर इसमें है विदाउट स्लिपिंग कैन बी प्लेस, मतलब रखना है तो मतलब टेन थीटा का वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए, ये तो स्लिपिंग की कंडीशन में डाल रखी है, ठीक है ठीक। तो अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं कि भाई इस साइड तक तो रख सकते हैं, हाँ यहाँ तक रख सकते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा तो स्लिप हो जाएगा, तो स्लिप हो जाएगा, तो अब इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो सर ये आ जाएगा 3x²/6 6 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू, म्यू सर शायद बहुत देर का है, ये 0.5 1/2 हो गया। अच्छा तो अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको फिर यहाँ रख दोगे, भाई हमारे पास हाइट आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये सर अपने पास आ गया x, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्योंकि वो एक्स नॉट मैंने वही निकाला है, ये आपने वन जहां पर स्लिप होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इसके लिए निकाला ये, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो दैट इज 1/6 तो 1/6 तो सही आंसर थर्ड आ गया, ठीक है। आगे बात करते हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते सर, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी इज केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, ए फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड ब्लॉक इज 0.6, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड। तो देखो सर इसमें बात हो रही है ना कि ये 3 न्यूटन तो लग ही रहा है इसका, अभी आपने सर ये 3 न्यूटन उसके एमजी के अलावा है क्या? हाँ ये एमजी के अलावा है, अच्छा एमजी साइन थीटा के अलावा है, हाँ तो अब जैसे भी आपने बता दिया कि इसके कंपोनेंट करेंगे अपने लोग, एमजी साइन थीटा एमजी कॉस थीटा मैं कर लेता हूँ, ठीक है सर। तो पहले अपने लोग इसे यही सॉल्व करते हैं, हाँ ये कर लेते हैं, तो अब ये इतना तो बच्चों को पता होगा तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं सर, तो ये एमजी ये कॉस 45 बनेगा हमारे पास, हाँ और इधर जो फोर्स लगेगा ये एमजी साइन 45 लिख लेते हैं, हाँ ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ गई, ठीक है सर। अब देखो होगा क्या कि हमसे मिनिमम पूछा है, ये बोला कि न्यूनतम मान कितना होगा, अच्छा
ठीक है। तो अब इसमें अपने लोग पहले ये चेक कर लें कि इसमें जैसे फ्रिक्शन तो हमें दे रखा है, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन किसका है, फ्रिक्शन का है। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। तो अब मैं पहले अगर ये चेक कर लूं कि 3 न्यूटन और एम जी साइन थीटा ये अगर फ्रिक्शन के बराबर होगा तो हमें पी की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नीचे नहीं खिसकेगा ये। अच्छा, अगर ये उससे कम आ गया तो हमें कुछ पी की वैल्यू देनी पड़ेगी, तो वहां बैलेंस रहे, बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, तो देखो इसको अपने लोग अगर मैं लिखूं तो इन दोनों की अगर मैं वैल्यू लिखता हूं, या सबसे पहले ये लिख लें एफ मैक्सिमम लिख लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। हां एफ मैक्सिमम लिख लेते हैं, तो आप बस जगह कम यहां में लिख लेते हैं। हां सर, तो एफ मैक्सिमम ये आ जाएगा हमारे पास म्यू दे रखा सर, पॉइंट 0.66 इनटू एम, एम जी है ये, एम है 10 इनटू 10 और वो है 1/√2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का सम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि डाउनवर्ड फोर्स F1 मान लेते हैं, सर ठीक है, ठीक है। तो अब सर इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ से साफ साफ पता चल रहा होगा, ये मान लो ये हमने माना F1 माना है, ठीक है। तो अगर अपने लोग बात करें तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि F1 जो है ये ज्यादा है, F1 ज्यादा लग रहा है, तो क्योंकि 3+ समथिंग आ रहा है, 3+ ये F1 तो ज्यादा लग रहा है, F1 ज्यादा है। तो अब इसमें बोला कि न्यूनतम मान कितना होगा, तो जो पी जो है अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो इसके बराबर होना चाहिए, तब तक ये रुका रहेगा। अच्छा, तब तक ये रुका रहेगा। हाँ, तो अब ये बोला जिससे गुटका नीचे की ओर गति ना करे। अच्छा, नीचे ओर गति नहीं करना चाहिए मतलब। हाँ, तो अपने लोग क्या करते हैं, ये जो अभी F1 लिखा है, F1 इक्वल टू F मैक्सिमम प्लस अप्लाइड फोर्स P लिख दूं तो बराबर सही हो जाएगा। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि फ्रिक्शन ऊपर की ओर, मतलब ये नीचे, ये फोर्स उसको नीचे लाना था, फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में मान लिया था। अच्छा, कि मतलब जो फ्रिक्शन है ये ऊपर लग रहा है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी, वो अपने फाइंड की वही है, वो उतनी है। तो आप ये बोलो, बोलना चाह रहे हो कि P मैं यहां लिखूं सर। हां सर, P प्लस F मैक्सिमम, F मैक्सिमम इक्वल टू, इक्वल टू ये जो मैंने लिखा है, हां 3+ 100 √2। अच्छा, अब देखो सर इसमें एक मेरे दिमाग में एक बात, ये भी डाउट आ रहा है, अगर सर मान लो जैसे ये पी अभी इसने मिनिमम पूछा है, और अगर ये बोल देता मैक्सिमम फिर क्या करते लोग, तो सर फ्रिक्शन तो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है, और एक टाइम सर ऐसा भी आएगा कि फ्रिक्शन जीरो भी हो जाए। हाँ ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन तो वेरिएबल है। हाँ, अच्छा फिर अपन ज्यादा लगाएंगे तो फ्रिक्शन नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, तो मतलब फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अच्छा, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना लगाए कि वो ऊपर की ओर मूव होने लग जाए। ठीक है, अच्छा तब ये एफ मैक्सिमम अपन को नीचे लेना पड़ेगा। अच्छा, तो चलो पहले अपन इसको तो निपटा लेते हैं। हां, मिनिमम पूछा गया, तो एफ मैक्सिमम का वैल्यू ये है अपने पास लिखा हुआ, ये रख दो, तो पी प्लस, पी प्लस ये हो जाएगा 60 बाई रूट टू इज इक्वल टू 3 प्लस 100 बाई रूट टू, 100 बाई रूट टू, तो पी का वैल्यू सर आ गया 3 प्लस 40 बाई रूट टू, ठीक है। अब उसकी कैलकुलेशन देख लें, इसका जो रूट टू आएगा क्या आएगा, 20 रूट टू, 20 रूट टू, और ये 1.4 है तो इस 32 के आसपास आ जाएगा, ये 32 के आसपास आ रहा है। हाँ, मैं सीधा लिख दूँ। हाँ, सीधे लिख दूँ आप सर, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन, ये जो बनेगा ना ये कुछ कुछ बनता है 31.9, वो तो सर कैलकुलेशन है, वो तो कोई इशू नहीं, अपना कांसेप्ट तो। हाँ, तो ऑप्शन अपने इसी में दे रखे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, फिर आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, ये पैराग्राफ है सर। हाँ, अब अच्छा पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है इसमें। हाँ, इसमें पैराग्राफ वाला लिया है कि उन सब टाइप की वैरायटी क्लियर करना चाह रहा है। ठीक है, ए बॉडी विद द मास एम स्लाइड अलोंग द सरफेस ऑफ द थ्रेडल प्रिज्म ऑफ मास एम होज अपर प्लेन इज इंक्लाइन एट द एंगल अल्फा टू द ओरिजिनल, द प्रिज्म रेस्ट ऑन द ओरिजिनल प्लेन हैविंग द वर्टिकल वॉल एट द रियर एज ऑफ द प्रिज्म टू कीप दैट रेस्ट। ये मेरे कुल मिलाकर सिंपल सी भाषा ये बोलना चाह रहा है कि एक प्रिज्म है, ठीक है, जिसका एंगल अल्फा दे रखा है, प्रिज्म एंगल दे रखा है, और यहाँ पर एक वॉल बना रखी है। अच्छा, ये इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ एक बार, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चाहिए ना, यहाँ पर अपन नहीं कर पाएंगे इसको, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ये एम है और ये कैपिटल है, ये कैपिटल एम है और एंगल दे रखा है, और यहाँ पर ये सरफेस, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको अपन को दे रखा है। अब
पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि प्रिज्म के आधार पर क्षैतिज तल पर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेस ऑफ द प्रिज्म ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब यहाँ का फोर्स पूछा है। ठीक है, तो एक बार सर मैं इसका पूरा ड्रॉ कर देता हूँ। ये सर फ्री बॉडी डायग्राम को समझाने के लिए अपने क्वेश्चन किया है यहाँ पर। ठीक है, बच्चों को फ्री बॉडी डायग्राम समझाना है। फ्री बॉडी डायग्राम इंपॉर्टेंट भी बहुत है, इसके बिना क्वेश्चन होंगे नहीं। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम के बिना तो मतलब कुछ है ही नहीं, खत्म ही है पूरा चैप्टर। चैप्टर खत्म है, तो वो तो अपन को ढंग से आना चाहिए। ये अल्फा है, तो एक तो नॉर्मल एन लगेगा, एन वन। ठीक है, अच्छा दो बॉडी तो आपने कैनवन वालों के कैन टू है, एम जी, एम जी लगेगा। एक उधर से भी टच में है, इधर से भी टच है, एन टू है, एन टू लगेगा। एक ही एन है, ठीक है, ये तो इसका डायग्राम हो गया। अच्छा, ये आपने इसकी वजह से जो लग रहा है कोर्स है, हाँ, उनकी आपस में जो इंटरेक्शन है। ठीक है, और एक में इसका ड्रॉ कर दूँ, ये एम जी साइन अल्फा आ गया, ये एम जी कॉस अल्फा, जैसा अभी अपन लोगों ने डिस्कस करा था, ऐसे कंपोनेंट है। हाँ सर, ये एन, ये नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन से आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। अब पहला क्वेश्चन तो आपको पूछा गया है कि एन वन क्या है, पैराग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अपन एक वन बाय वन देख लेते हैं। ले लेता हूँ ये, हाँ, तो क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। पैराग्राफ सर अपन साथ में कर लेंगे, क्योंकि बार बार डायग्राम बनाने से मतलब है नहीं। हाँ हाँ, तो सर पहले बोला है ये The force exerted by the base of the prism on the horizontal plane, मतलब prism के आधार पर क्षैतिज तल पर लगाया गया बल होगा। मतलब ये N1 ही पूछा है कुल मिलाकर। हाँ सर, ठीक है, तो N1 फाइंड करने के लिए देखो सर, ये तो रेस्ट में ही है, ये रेस्ट में, ये रेस्ट में कि दोनों तरफ वो वॉल है और सरफेस है, ठीक है, रेस्ट में। तो बेसिकली बस हमको ये करना पड़ेगा कि इस N के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, N के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि सर अपन को वर्टिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हाँ सही बात, आप N1 को लिख रहे हो वर्टिकल में। हाँ, तो वर्टिकल मतलब वर्टिकल कंपोनेंट हमें बराबर करने पड़ेंगे, बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बस एन के कंपोनेंट करना है। ठीक है, और ये कंपोनेंट सर अपन को याद भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी अपन ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, हाँ, तो सिमिलर आता है ग्राफ, सारा हमेशा आता है, वे सेम सेम टाइप आता है। ठीक है, तो मैं एक बार ये सॉल्व करके बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक, ये जो अपना ड्रॉ कर दिया, तो ये अल्फा है, 90 माइनस अल्फा, ये रहेगा अल्फा, ये अल्फा आएगा, तो इधर का जो आएगा वो आएगा एन साइन अल्फा, एन साइन अल्फा, और इधर आ जाएगा एम जी कॉस अल्फा, एन कॉस, एन कॉस अल्फा, एन कॉस अल्फा, मैं एन कॉस अल्फा आएगा, एन कॉस अल्फा। ये सर अपने जब भी अपन इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना इंक्लाइन प्लेन में, तो नेक्स्ट टाइम जैसे अपन एम जी साइन अल्फा सीधे लिख रहे ना, इस टाइप से मैं एन साइन अल्फा सीधे लिख दिया करूंगा। ये अपन को सबको पता भी होना चाहिए, बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फास्ट हो जाते हैं, अपने पास टाइम होता नहीं है। तो एक तो सर ये क्वेश्चन हो गया कि एन वन, एन वन की वैल्यू पूछी है, इक्वल टू एम जी, एम जी प्लस प्लस एन कॉस, एन कॉस अल्फा। अब सर एन अपन को फाइंड करना पड़ेगा, एन तो सर, एन तो हम लोग जो हमने एक्टिविटी बनाई इससे निकाल सकते हैं सीधे। हाँ, ये इस डायरेक्शन में इसके एक्सेलरेशन है, जो भी एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में तो बैलेंस कर सकते हैं। तो एन का वैल्यू आ जाएगा अपने पास एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा, तो इसको यहाँ रख देंगे अपने लोग। हाँ सर, तो ये आ जाएगा एम जी जी प्लस स्मॉल एन, स्मॉल एम जी, ये भी सर कॉस है, ये भी कॉस है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है सर, तो ये आंसर है इसका, वो आंसर फोर्थ हो गया सर। ठीक है, फोर्थ एक बार मैं लेकर चले जाता हूँ। हाँ, ये दिख रहा है एम जी प्लस एम जी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसका अपना आंसर आ गया फोर्थ। ठीक है, अब फोर्थ है, अब वापस बिठाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रखते हैं आगे, देखते हैं भी क्या है। ये क्वेश्चन है, हाँ सर एक बार बिठा देते हैं, क्योंकि फिर बच्चों को। ठीक है, ठीक है, सो नोट कर देते हैं इस, चलो। A body with the mass m slide along the surface of the theoretical prism with mass m, the wall upper plane is inclined and what sir woh kya hai ye isme bola tha the force exerted by the wall on the prism, on the prism, iska matlab ye wale ki force nikalna hai, ye wala to sir last wala diagram apan ko yaad hai ki us side the end, maine abhi jaise yaad pehle bola bhi tha ki is prism par idhar lagega n sin alpha, n sin alpha, aur n ka value, aur idhar ye maine sir aapne mana tha isko N2, ठीक है, N2 जो भी माना, N2, तो इस डायरेक्शन में और तो कोई फोर्स है ही नहीं, और कोई नहीं, तो N2 सीधा ये हो जाएगा, N2 is equal to N sin alpha, sin alpha हो गया, और N की वैल्यू हमने लोगों लिखी थी अभी, mg, mg cos alpha, cos alpha, तो देखते हैं ऑप्शन है ये, हां सर है ये, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, हां, mg sin alpha cos alpha, ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़े, हां सर, अब ये 7th क्वेश्चन जो है, ये बोला ब्लॉक पर अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक, तो सर
करिए सर, रिसर्च करिए दोबारा। तो ब्लॉक पर तो अपन बस ये जो अपन कब से निकल ही रहे हैं, सीधे से निकाले कब से, ठीक है, तो एमजी को सल्फर रहेगा, ठीक है, क्यों अपन इसको पहले से यूज कर रहे हैं। अच्छा, इस ब्लॉक से ये जो ब्लॉक है, हाँ इसका, तो ये एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एमजी को सल्फर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना थर्ड, सेवन का आंसर आ जाएगा अपना थर्ड, ठीक है सर। चले अब आगे बात करते हैं सर, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ सर, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ये बोला कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, टू आइडेंटिकल वेजेस ऑफ सेम मास, वन इज फिक्स्ड एंड अनदर इज मूवेबल आर प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस, ऑल स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड द पुली आर लाइट एंड स्मूथ। सर इसमें ये बोला गया है एक तो फिक्स है, ठीक है, और एक मूवेबल है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लग रहा है, दो दो डायग्राम लग रहे हैं, तो यहाँ पर एक एक डर सा नहीं रहेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। नहीं सर, जैसे हमारे पास अपने लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, हाँ। तो सबसे पहले अपने क्लास में बच्चों को ये पढ़ाते हैं, कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लगे, हाँ। या मैकेनिक्स कहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एफबीडी बनाना चालू करते हैं। अच्छा, तो एफबीडी बनाने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। हाँ, एफबीडी अगर बच्चों को समझ में आ गया तो मतलब है ये फोर्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा, तो फोर्स अपने पास आ जाएंगे, फिर बाकी सब सॉल्व करते चले जाएंगे। तो अपन एक बार हाँ इसी पर कॉपी कर लेते, एक बार इसी पर कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अपन को फिर नहीं, ये एंगल एंगल 45 हो, तो ये 45 हो गया, ये फिक्स है, ये फिक्स है, और इधर ये स्मूथ दे ही रखा है, और ये मास एम दे रखा है, एफ का वैल्यू दे रखा है 2 mg, और ये इधर आ जाएगा एम, ये तो चलेगा ही नहीं, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। अच्छा, ठीक है सर, तो अगर हम लोग इसकी बात करें, हाँ सर, जैसे ये है, देखो सर, मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं पहले दूसरा लिख लूं फोर्स कैसे है, हॉरिजॉन्टल वाले लिख लेते हैं, वर्टिकल वाले जो भी हैं। अच्छा, मतलब आप ही बोलोगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले अलग से बनाएं। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम अपने, तो मैं इधर बना लूं। हाँ, बना लीजिए। अब देखो एक बार बना लीजिए सर, इसमें मुझे एक बात बताओ, इधर भी ये बीच का बनाओ नहीं बनाओ, मतलब बनाना चाहिए क्या? जैसे अब उसमें पूछा गया हमसे ये चलेगा नहीं चलेगा, एक बार बना लेते फिर मैं अपने डिस्कस कर लेते। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते, ठीक है। अब देखो सर, इसको अपने लोग जब स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर भी सर वही एफ लिखो, एफ इक्वल टू 2 mg आ जाएगा। अच्छा, एफ एफ ही रहेगा। हाँ, अब जैसे क्या ये हमारे पास रोप दी है, रस्सी दी हुई है, हाँ। तो अपने लोग यही पढ़ते हैं कि मतलब जो टेंशन होगी वो सेम रहेगी, सेम रहेगी, सेम स्ट्रिंग में सेम रहेगी, सेम रहेगी। हाँ, ओके, तो इधर तो एफ आई, हाँ, और इधर जो फोर्स लगेगा मतलब यहाँ पे भी जो फोर्स होगा ऐसे वो भी एफ होगा, और इधर भी फोर्स लगेगा वो भी एफ होगा। अच्छा, वो तो इंटरनल हो गया फिर, तो ये तो इंटरनल हो गया। हाँ, और इधर जो फोर्स लगेगा वो भी एफ होगा, एफ ही होगा, ये जो मैंने बना दिया, ये आपने बता दिया। तो अब देखे अपने लोग इसको, ये ऊपर तो चल नहीं सकता, हाँ, तो वो तो प्रोबेबिलिटी है नहीं, हाँ, ठीक है, और कोई फोर्स भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहा है चलने की डायरेक्शन या तो हॉरिजॉन्टली चलेगा, हाँ, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स अगर निकाले तो सर जीरो दिख रहा है साफ साफ, तो साफ साफ जीरो दिख रहा है, तो इसका ऐसा कितना हो जाएगा इसका मतलब सर, ये आगे फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो हाँ, मतलब फिर मेन वही बता रहा है, कोशिश कर रहा था मैं कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना लो तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि बहुत बड़े डायग्राम है। अच्छा, मरना क्या, प्री वर्ड डायग्राम बनाओ, फोर्स लिख लो, और फिर उसको जैसे एक सिंगल ब्लॉक मान के चलते हैं, बस सॉल्व करते चले जाओ। तो फिर सर इसका तो आंसर ही हो गया, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो इसका जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो चलो अगला भी देख लो सर। तो आगे तो इस ये क्वेश्चन नंबर 8 था सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो अब ये बोला फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। अब देखो सर, इसमें बोल रहा है कि हमारे पास जो हैंगिंग ब्लॉक है ना, इसका एक्सेलरेशन हमें लिखना है। अब देखो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो रस्सी पे जो टेंशन होगी वो सेम रहेगी, सेम रहेगी, तो एक बार बना ली, तो मैं उस ब्लॉक का आप ही बोलोगे 2 mg जो यहाँ तक लगता रहेगा। हाँ, मतलब यहाँ पे भी ये कितना रहेगा, फोर्स एफ ही होगा, हाँ, यहाँ एफ होगा, तो यहाँ पे भी एफ लगेगा, तो मैं एफ इज इक्वल टू 2 mg लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है सर। और फिर ये mg तो रहेगा सर, इसका mg रहेगा ही रहेगा, और ये इधर बता रहेगा सर स्मूथ, हाँ वो स्मूथ है, मतलब टच हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये स्मूथ हमें बता रहेगा। अब इसने एक्सेलरेशन पूछा इसका, तो ये तो सीधी बात ऊपर ही जाएगा, अब तो ऊपर ही जाएगा, तो ये हो गया 2 mg, 2 mg माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो सर a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया जी, जी ऊपर की ओर है ये, हां ऊपर की ओर आ गया, तो आंसर चेक कर लेते हैं अपन लोग, तो चेक कर लेते हैं, तो पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन दे रखा सर, ठीक है सर। हां सर,
अब तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की बात है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला था फोर्स एग्जर्टेड बाय हिंज ऑन अपर ब्लॉक अपर पुली ऑफ द बेस ए, तो इसका मतलब सर ये पूछ रहा है कि ये जो पुली है हाँ इसमें फोर्स पूछ रहा है। तो अब इसको जैसे सर इसमें एंगल दे रखा है 45 दे रखा है, एंगल दे रखा है ना 45 दे रखा है, तो ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है, तो ये मैं पुली बना लूं? हाँ सर बना लीजिए। इधर लग रहा है एफ, इधर एफ लग रहा है, इधर लग रहा है एफ, इधर एफ लग रहा है, तो अब इसमें रिजल्टेंट पूछा है यहाँ सर फोर्स लगेगा। हाँ हिंज जो लगाएगा वो हिंज लगाएगा, तो पुली तो इक्विलिब्रियम में ही है। ठीक है, तो इस एफ के साथ हम कंपोनेंट कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लीजिए, जाएगा एफ बाई रूट टू, एफ बाई रूट टू, और इधर भी आ जाएगा एफ बाई रूट टू, एफ बाई रूट टू, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया एफ माइनस एफ बाई रूट टू आ गया, रूट टू आ गया इस डायरेक्शन में, और वर्टिकल आ गया एफ बाई रूट बाई रूट टू। तो सर ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेज फोर्स लगाएगा ठीक है वो भी तो इतना लगेगा, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इक्विवेलेंट एक्शन रिएक्शन फॉलो होगा। तो मैं यहां मान लेता हूं लेट दैट इज फोर्स एफ, एफ आ गया, तो एफ का वैल्यू सर अपन लिख लेते हैं एक बार, तो एफ माइनस एफ बाई रूट टू, रूट टू का स्क्वायर, का स्क्वायर प्लस एफ बाई रूट टू का, रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर इसका टोटल का अंडर रूट आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो सर इसको फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा, पहले एफ की वैल्यू रख लेते हैं सर, एफ एफ तो सर बाहर आ जाएगा वैसे सीधा, एफ को आप बाहर लिखो, मैं एक बार बाहर ले लेता हूँ क्योंकि हमें आंसर उसमें टू की फॉर्म में दे दिया हुआ है। ठीक है, एम जी अंदर है क्या सर, वन माइनस वन अपॉन वन बाई रूट टू, टू का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर, अब इसका अंडर रूट, और ये सर जो एफ है ना ये एफ की वैल्यू 2mg दे रखी है, यहाँ पे ये 2mg, अच्छा 2mg, अच्छा सॉरी 2mg आएगा, बिल्कुल सही बोला TMG, ये भी सर मिस्टेक होती है बार बार, हाँ ये मतलब ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2, देखो सर इसमें आंसर जो हमें दे रखा है ना वो सब दे रखा है अंडर रूट 2 की फॉर्म में, तो मतलब जो भी डेटा दे रखे हैं, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो इसको ऐसे ले जाते हैं अंडर रूट 2 माइनस 1 बन जाएगा, और ये तो 2 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, ये तो अंडर रूट 2 को कॉमन ले लो आप, नहीं बाहर से रूट 2, एक बार ऑप्शन देख लो तो सर, हाँ ऑप्शन देख लेते हैं, तो सब 2 पहला और दूसरा ऑप्शन चेक करिए, तो इस फॉर्म में लेके आने हमें। अच्छा तो सर अपने कर लेते हैं इसको आगे कर लेते हैं, तो 2ab होगा तो ये हो जाएगा माइनस रूट 2, माइनस रूट 2 आ गया 2ab, ठीक है माइनस रूट 2 और प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2, 2 तो ये आ गया आपने पास सर, आ गया ये तो सीधे आ गया एम जी 2 माइनस रूट 2, टू रूट टू माइनस एक टू और आएगा सर इसमें, सर ये टू आगे, तो ये अपना बना 2mg, अब सही है 2mg, हाँ वो तो आ गया 2 माइनस रूट 2, तो आंसर अपना हो गया सेकंड है सर, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब सर जैसे एक तरीका आपने ये लगाया, अब जैसे मैं अगर अपने मैं ये सोच रहा हूँ जैसे आपने ये ऐप लगा दिया इधर, ठीक है, तो जैसे मैं इसको वेक्टर से करने की कोशिश करूँ, ये ऐप हो गया और ये भी ऐप है, ठीक है, और ये एंगल तो हमारे पास 45 भाई, तो ये अगर ये वेक्टर मान ले, अच्छा आप इसको 135 से दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालोगे, हाँ ये जो पैरेलोग्राम मेथड, पैरेलोग्राम, अच्छा अच्छा तो लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे भी तो आंसर आएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है सर, तो ये अपना अगर मान ले तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 135 पे बाकी पैरेलोग्राम वाला मेथड, ठीक है सर, तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पढ़े, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, a metal sphere is hung by the string fixed to wall, the force acting on the sphere are shown in the figure, which of the following statements are correct, ye ek sir hang kar raha hai, theek hai to iska apne ek diagram bana lete hain, ab sir isme more than one correct hai ye sir, acha to isme matlab hai teenon options se jitne char option hai wo check karne hain, is cheez ka dhyan rakhna hai sir, to ye ek apne diagram bana liya, t upar lag raha hai, r idhar lag raha hai, w idhar lag raha hai, theek hai, अब इनमें से पूछा है तो सर पहला तो इसने वेक्टर फॉर्म में पूछा है और अपन को पता है कि इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम इसका मतलब नेट फोर्स तो इस पर जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, तो मैं यदि सिंपल से लिखने चाहूं तो टी वेक्टर प्लस आर का वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स जीरो के लिए।
अच्छा मतलब अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो रखना, नेट फोर्स जीरो कर दिया तो ठीक है। अब दूसरा पूछा है, दूसरा पूछा है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। तो सर इसको करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, जब ये स्क्वायर स्क्वायर आ जाए तो अपन क्या करते हैं एक एंगल अज्यूम कर लेते हैं थीटा, ठीक है। नहीं थीटा दे रखा था सर। अच्छा वहां दे रखा है हाँ। सर तो वो थीटा रहेगा सर, चलो भाई वही आएगा। तो इससे अपने पास इक्वेशन आ जाएगी, एक तो टी कॉस थीटा ये तो वैसे रॉन्ग हो गया, ये स्केलर एडिशन किया है तो पॉसिबल नहीं, दो इसलिए रॉन्ग है। तो अच्छा मतलब स्केलर एडिशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, हाँ ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एक डायरेक्शन होता तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा वो, अब उसके लिए सर अपन क्या कर सकते हैं, देखो टेंशन फैक्टर में पूछा है तो इनको अपन डिवाइड कर लेते हैं, तो cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू w / r, w / r, r की वैल्यू पूछी है, r इज इक्वल टू हो गया w tan थीटा, तो ये ऑप्शन राइट हो गया। तो इसके आंसर सर हो गए 1, 2 and 4। नेक्स्ट चलते हैं, हां नेक्स्ट चलते हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ए लिफ्ट इज गोइंग अप, द वेरिएशन ऑफ स्पीड लिफ्ट विद टाइम इज शोन इन फिगर, द टोटल मास ऑफ लिफ्ट एंड पैसेंजर इज 1000 kg इफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसमें सर देखो हमारे पास ये क्या ग्राफ दे रखा है इसमें, और सर क्वेश्चन तो है फोर्स का, ग्राफ स्पीड का और टी का दे रखा है, इसका मतलब क्या समझ गया सर? अब जैसे हमारे पास जो अपने लोग उसमें पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में कि ए और बी और टी का जो रिलेशन पढ़ते हैं, अगर ग्राफ नहीं दिया हुआ तो ए इक्वल टू डी बी बाई डी टी होता है, मतलब अगर स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अच्छा तो यहाँ से अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन मास से मल्टीप्लाई करके तो अपने फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अच्छा इसलिए इसको लिंक करके दिया है, हाँ। तो मास सर एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर तो मास लिख लेते हैं, मास दे रखा कितना 1000 kg दे रखा है, ओके ठीक है। अब सर इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये मोर देन वन है। तो पहला क्वेश्चन बोला टेंशन इन द रोप ऑफ द लिफ्ट एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, तो टी इक्वल टू 1 सेकंड की बात हो रही है, तो ये 0 है ये 2 है तो यहाँ पे नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही होगा, सही है सर बिल्कुल। अब एक ही बात, अब हमें निकालना है टेंशन, जैसे मान लो ये लिफ्ट है, अगर ये टी से ऊपर जा रही है ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऐसे होगा और ये एम ऐसे रहेगा, तो मुझे करना क्या है, यहाँ से एक्सीलरेशन अगर मिल गया तो मैं फोर्स लिख सकता हूँ सीधे। अच्छा तो मतलब अभी बोलोगे टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए में, हाँ तो यूज कर लेंगे, ये यूज कर लेंगे, मगर अब इसमें एक चीज है भागवत सर, इसमें ये ए है ना ये हमें पता नहीं है। अच्छा। तो ये फाइंड करना पड़ेगा, तो ये अपन लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये वाले तरीके से डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, या ये बोले इसका स्लोप निकाल लें। अच्छा मतलब ग्राफ का स्लोप करके अपन वो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, ए एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, अच्छा मतलब वो स्लोप फाइंड करना है, स्लोप होता है टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख लेते हैं अपने लोग, तो टेन थीटा निकालना सर, हाँ टेन थीटा लिख, टेन थीटा इज इक्वल टू, तो ये मैक्सिमम हमारे पास कहां था यार, 4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 4 बाय 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 आ गया। तो अब इसको यहां रख देते हैं, तो पहले इक्वेशन इज इक्वल टू m, मैं साथ में लिख लेता हूं सर, 1000 है, 1000 g 10 प्लस प्लस 2, तो ये कितना हो गया, ये 12 * 1000 तो 12000 हो गया, मतलब पहला सही हो गया, सही हो गया, ठीक है सर। अब अपन वापस सेकंड से स्टार्ट करते हैं, सेकंड बोला है टेंशन इन द रोप एट टी इक्वल टू 6 सेकंड। अब हमें क्या बात करनी है, अच्छा आपने जो स्लोप किया था स्लोप ही वापस निकालना है, स्लोप ही निकालना है मतलब, तो 6 सेकंड का स्लोप, तो सर ये तो सर दिख रहा है स्लोप 0 सीधा, हां तो कांस्टेंट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, स्लोप हो गया, तो ये जो आ गया यहां पे वो 0 आ गया, ये 0 आ गया, हां। अब जो भी आपने इक्वेशन लिखी थी उसको मैं लिख देता हूं, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो ये वाला तो हट के 0 हो गया, तो टी बराबर एम जी हो गया, तो टी बराबर एम जी आ गया, तो सर ये तो सेकंड ऑप्शन में राइट लग रहा है, हां तो अपना 10000 आएगा, ये तो 1000 ये है ही, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये आपने जो लिखा था इक्वेशन वही लिख देता हूं मैं, और एम और यहाँ पे माइनस है, ठीक है सर। तो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो टी माइनस ये तो कितना आ गया 10000 अभी लिखा ही था, और ये 1000, और इसका स्लोप अगर आपने ये जो स्लोप है ये सेम होगा मगर अपोजिट होगा, अपोजिट होगा मतलब नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, या माइनस यहां लिख लेता हूं, माइनस यहां लिख लो और 2 इधर आ जाएगा, 2 आ गया, तो इधर आ जाएगा फिर 8000, मतलब ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है।
ठीक है सर, फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब फोर्थ बोला है हाइट अप टू विच लिफ्ट टेक द पैसेंजर इन 40 नहीं, ये क्या बोला है, लिफ्ट की ऊंचाई तक ले जाती है, मतलब हाइट पूछी है इसने, तो मतलब ये बोला है कि लिफ्ट जो अच्छा ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि टोटली 40 मीटर ऊपर गया ये ऊंचाई, ये राइट रॉन्ग है ये। हाँ तो सर इसको जैसे अभी आप लोगों ने एक तो तरीका मैंने ये लिखा था कि a इक्वल टू d बाय dt, इससे तो मैंने एक्सेलरेशन लिख लिया था। अब हाइट की बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं b इक्वल टू ds बाय dt। बिल्कुल सर, तो इससे जो मैं अगर ds लिखूंगा तो ये b इनटू dt बन जाएगा, और जो इसका b dt क्या होगा, एरिया होगा, एरिया। तो ये हाइट तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो इसका टोटल एरिया आएगा वो हाइट के बराबर, वो हाइट आएगी। हाँ तो अपन एरिया निकालना, तो निकाल लेते सर, ये तो एरिया लिख लिया, इसका एरिया A1 मान लेता हूँ, इसका A2 मान लो, A2 और ये A3 हो गया, A3 तो A1 तो आ जाएगा, A1 सर कितना आएगा, 1/2 इनटू 2 इनटू 4, ठीक है, ये आ गया सर 4। हाँ और ऐसे A3 भी बराबर अच्छा, ये भी 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, और ये जो साफ साफ दिख रहा है सर ये है डिफरेंस 8 का और ये 4 का, तो ये 32 हो गया, 32 हो गया, ये 32 प्लस 8 सही है, तो ठीक है सर, तो ये हो गया 4, मैं लिख रहा हूँ 4 प्लस 32 प्लस 4 ये तो आ गया सर 40 मीटर, 40 मीटर मतलब इसके चारों ऑप्शन राइट है, राइट है। चलो सर फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m5 kg रेस्ट बिटवीन टू प्लेन व्हिच मेक्स एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली विद इन द हॉरिजॉन्टल, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉल बाय ईच ऑफ द प्लेन, द प्लेन्स आर स्मूथ। ये बोल रहा है कि सर ये दो है, इसके बीच में ये बॉल पड़ी है, ठीक है, ये दो सरफेस है, एक है 30 वाला और एक है 45 वाला, यहाँ से 45 वाला। तो सर मैं इसको नेक्स्ट पेज में करूँगा, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूँ। अच्छा मतलब आप एफबीडी से करने की कोशिश कर रहे हो? एफबीडी वैसे पूछा ही फोर्स है तो एफबीडी तो अपनी करनी पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सर अभी मैंने एक बात बताई थी कि अपन नॉर्मल है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइन और कॉस सीधा लिख सकते हैं, ठीक है, तो अपन को ज्यादा इसमें एनालाइज करना चाहते कर सकते हैं, इसको मैंने n1 मान लिया और इसको n2 मान, इसको n2 मान लिया, दोनों सेंटर की तरफ लगेंगे लेकिन थोड़े से दूसरे से इंक्लाइन रहेंगे, तो इसको सर मैं अब सीधा सीधा लिख रहा हूँ n1 साइन 40 ये मतलब नहीं चाहिए, ठीक है, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री आएगा और ये n1 cos 30 डिग्री, n1 cos 30 डिग्री आ जाएगी। इसी टाइप से ये जो है आएगा वो आएगा n2 sin 45 और ये आ जाएगा n1 cos 45 n2 आएगा n2 cos 45। ये मैंने आपको बोला था, अपन बोलते हैं कि क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए याद रखना भी जरूरी है, तो हां कि मतलब नहीं रखा जरूरी है, छोटा कर दिया हुआ तो सीधे ऐसे रखना, ठीक। और एक mg सर इसका कितना दे रखा है, 5 kg है, 5 kg तो इधर आएगा ये 50, ठीक है। तो अब जो सर इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व करने बाकी रहेगी। हाँ तो मैं एक तो वर्टिकल, ये दो इक्वेशन लिख लेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिख लेते हैं, एक बार वर्टिकल, चल तो है नहीं ना, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, n2 sin 45 सर n2 sin 45 का रूट 2 सीधा, ठीक है, माइनस इज इक्वल टू n1, अच्छा हां ये इसके बराबर हो जाएगा n1 sin 30, ये आ गया 2 2 आ गया, ठीक है। तो अपने पास सर एक आ गया कि जो n1 है दैट इज रूट 2 टाइम ऑफ n2 n2 आ गया, एक इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक है। अब एक वर्टिकल से बनाओ, वर्टिकल लिख लेते हैं, हां वर्टिकल, तो वर्टिकल ऊपर की ओर लग रहा है n1 cos 30 cos 30 दैट इज √3/2 इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा सर 50 प्लस n2 / √2। अब n1 को रिप्लेस कर देते हैं, अपन को पहले क्वेश्चन में सर वो क्वेश्चन में कौन सा पूछा है, क्वेश्चन नंबर n1 n2 दोनों पूछे होंगे, नहीं इसमें ये बोला है कि तलो द्वारा गेंद पर लगाए गए अभिलंब प्रतिक्रिया बलों को ज्ञात करें, कोई n1 n2 दोनों पूछा, 30 n1 n45 मतलब n30 के फॉर्म में दे रखा है, तो मतलब ये n2 और n1 पूछा है, n2 है इन्होंने जो लिखा है वो है n45 वाला, n45 और n1 है वो है n30 वाला, n30 वाला मतलब डिग्री के साथ पूछा, अपने n1 n2 अर्जुन कर लिया था, ठीक है। तो मैं n1 को रिप्लेस कर देता हूं n2 से, तो √2 n2 √3/2, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 50 प्लस n2 / √2 √2, अच्छा इसको अपन इस साइड लेकर आ जाते हैं, तो अब क्योंकि सर एक बार मैं ये कह रहा था जैसे √2 यहां दिया है, हां और √2 है तो इसको अगर काट दो √2 यहीं हो जाएगा, हां मेरे को से तो ये √2 हो जाएगा, फिर
ये रूट टू आ गया। अपन ने क्या कर लेते हैं उसको इस साइड लगा देते हैं। अब जो कैलकुलेशन करनी है सर, अपन कैलकुलेशन लेनी है एम टू रूट थ्री, रूट थ्री बाई रूट टू माइनस वन, हाँ डिवाइड बाई रूट टू, रूट टू इज इक्वल टू एम टू फिफ्टी फिफ्टी। तो एम टू की वैल्यू आ जाएगी, एम टू की वैल्यू आ गई 50 रूट टू, रूट टू अंडर रूट थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन। तो ये अपना ये पहला ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन, अगर इसको अगर आप अब आगे सॉल्व करना चाहो तो कर लो, वैसे इसमें ये पहला ही ऑप्शन दे रखा है और इस फॉर्म में कोई और ऑप्शन दिए भी नहीं है। अच्छा तो फिर करने मतलब आगे चाहे तो अपन रूट थ्री ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो एन टू तो आपने सॉल्व कर ही दिया और उसकी वैल्यू यहाँ रखनी है एन वन, तो आ जाएगा। चलो हाँ आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब ये बोला ए ब्लॉक ए हैज वेलोसिटी, ब्लॉक ए हैज वेलोसिटी 0.6 मीटर पर सेकंड ऑफ द राइट, ये जो है ब्लॉक ए, ब्लॉक ए का देगा ऐसे मूव कर रहा है, परसेंट कर लेते हैं हाँ, ये कर रहा है 0.6 से 0.6 मीटर पर सेकंड, इसको सर मैं बी1 मान लेता हूँ, ठीक है बढ़िया रहेगा। अच्छा तो इसको B2 मान लेते हैं, इसको अपन B2 मान लेते हैं, इसको B2 मान लिया ठीक है। इनकी वेलोसिटी पूछिए तो सर ये तो अपन करते हैं सर, इसको दो तरीके से अपन कर सकते हैं। अच्छा वैसे ये सर कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन हो गया, ये कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन हो गया, तो कंस्ट्रेंट तो हम लोग किसी तरीके से कई कई तरीके से, तो बहुत सारे तरीके हैं हाँ, लेकिन एक एफिशिएंट मेथड तो ये होता है कि अपन T1 V1 प्लस T2 V2 प्लस T3 V3 इसको जीरो कर देते हैं। मतलब सर एक मैं लिख रहा था जैसे सपोज ये लग रहा है यहाँ पर लग रहा है T1 ठीक है और ये लग रहा है T2 T2 वेलोसिटी V2, तो T1 डॉट प्रोडक्ट V1 प्लस T2 डॉट प्रोडक्ट V2 इज इक्वल टू जीरो। ये सर लिखा क्या कैसे मतलब क्या कर बता रहा ये सर एक्चुअली अपना अगला टॉपिक आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं जैसे टेंशन हो गया नॉर्मल हो गया वो पूरे सिस्टम पर कोई वर्क डन नहीं करते हैं ठीक है। तो ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इसलिए सर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है ठीक है। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो का अपन यूज करते हैं। मतलब सर बेसिकली इक्वेशन ऐसे आती है T1 डॉट DS1 उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ठीक है प्लस T2 डॉट DS2 इज इक्वल टू जीरो जीरो। तो अपन यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो सर यहां D2 जी आ जाएगा हां हां। तो ये अपन वेलोसिटी के टर्म में लिख लेते हैं। अच्छा वेलोसिटी मतलब ये तो इंटरनल फोर्स हो गया T1 T2 मतलब ये पूरा का सिस्टम मान लेते हैं हाँ। तो ये वर्क डन इसका भी जीरो होगा, इसका मतलब नेट जीरो ही रहेगा, नेट जीरो रहेगा ठीक है। उसको अपन यूज करते हैं, इसमें भी अपन उसका यूज कर लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा। तो ये अपन लिख दिया है अपने यहाँ चलते हैं ठीक है। इसका मतलब देखो सर, अच्छा यहाँ डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैं इसका लिखना चाहूँ ना, जैसे इसको मैं लिखूँ तो T1 V1 तो आएगा सेम डायरेक्शन में जीरो ठीक है, लेकिन ये ऑपोजिट आ रहा है तो माइनस T2 V2 इज इक्वल टू जीरो, जीरो आ गया एंगल 180 डिग्री इसलिए ठीक है। तो बेसिकली यदि अपन को T1 और T2 के बीच में रिलेशन मिल जाए। अच्छा तो अब भागो सर इसमें जैसे वेरिएबल तो हमारे पास मतलब V1 तो हमें पता है हाँ, V1 पता है, V2 हमें पता करा गया हाँ। अब ये दो वेरिएबल आ गए T1 और T2 ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये सर अपन जो बेसिक इक्वेशन है इस पुली पर लगा देंगे ठीक है। पुली पर जो फोर्स लग रहा है जैसे सर ये T2 लग रहा है तो अपन यहाँ T2 लिख लेंगे। अच्छा सेम टू सेम स्ट्रिंग ये सर T2 स्ट्रिंग है तो मेरा सेम ही रहेगा हाँ। और यहाँ पर भी सर T2 रहेगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है सर ये पूरी पूरी है और इधर ये लग रहा है T1। अरे तो खत्म हो गया, तो ये तो खत्म हो गया T1 इक्वल टू 3 V2 हो गया, T1 इक्वल हो गया 3 T2। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं 3 T2 V1 माइनस T2 V2 इक्वल टू जीरो यार, तो अपने पास V2 आ गया 3 टाइम ऑफ V1 तो आएगा 1.8 मीटर पर सेकंड ठीक है सर। ठीक है सर तो ये आ गया अपना सेकंड में आगे आगे बढ़े हाँ सर। अब आगे बोला ए पेंटर ऑफ मास m स्टैंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मास m एंड पुल इटसेल्फ बाय टू रोप व्हिच हैंग ओवर पुली एज सून ही पुल्स ईच रोप विद फोर्स f एंड मूव्स अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फाइंड a Neglecting the fact that no one could do this for a long time. तो
अब जैसे भागवत सर ये क्वेश्चन है ना, जैसे आपने भी तरीका बताया था एफपीडी वाला, इसको मैं वैसे करने की कोशिश करूंगा, मुझे तो ये समझ में आ रहा है इसमें बहुत ये भी दे रखा है ये भी दे रखा है, क्या क्या, तो मैं क्या करता हूँ इसको अलग से बना देता हूँ और इसका अलग से एफपीडी बना ले। अच्छा सर, पर इसमें एक काम करे कर सकते हैं क्या अपन? हाँ सर, कि अपन जैसे मैं मूव करेगा ये भी मूव करेगा। अच्छा हाँ, ये दोनों मूव करेंगे तो क्या अपन इसको सिस्टम मान ले, क्या मान सकते हैं क्या, क्यों एक्सलेशन सेम ही है? हाँ तो इसको अपने लोग एक सिस्टम मान लेंगे सर। हाँ तो मान लेते इसको एक सिस्टम मान ले तो मतलब अच्छा आप ये करो सिस्टम मान ले तो इंटरनल फोर्स जो हाँ तो ये अपन को एन एन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा। तो सर फिर मुझे लगता है सर ये फिर अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ये भी एफ लग रहा है, ये भी एफ हो जाएगा, ये भी एफ लग रहा है एफ, और ये भी एफ हो जाएगा, ये भी एफ हो जाएगा, और ये भी एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अच्छा सर फिर इसमें टोटल जो हमारे पास फोर्स हो गया वो तो हो गया कितना अपवर्ड, तो फोर अपवर्ड हो गया, तो मैं ये बार यही बना लेते सर इसको। अच्छा तो वो ये ऊपर तो फोर्स हो गया, ऊपर की हो गया सर 4F, और इनका मास दे रखा है तो एक का कैपिटल M दे रखा है, एक का माइनस M, तो इनको सर साथ में कैपिटल M, हाँ कैपिटल M स्मॉल M, mg अब इसमें और एक्सेलरेशन अपवर्ड बढ़ दिया है ए, क्योंकि खींच रहा है तो ऊपर ही आएगा ये। तो सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर तो अब सीधे इक्वेशन लिखनी है। अच्छा मतलब ये इसका मतलब सर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमेशा एफबीडी बनाना है, यदि अपन को सिस्टम दिख जाए तो। हाँ अगर आप पूरे को सिस्टम मान लेते हैं हाँ तो वो बहुत आसान हो जाएगा, अभी आपने सिस्टम माना तो उससे ये नेट फोर्स हमने लिख लिया। अच्छा तो 4F आ गया हमारे पास। ओके इसका मतलब ये आ गया, अपन थ्री बॉडी डायग्राम से भी कर सकते हैं और सिस्टम से भी कर सकते हैं यदि अपन को सिस्टम दिख जाए तो। हाँ मतलब ये आप सिस्टम वाला ये अप्रोच हम लोग बाद में पढ़ाते, बच्चों जब ज्यादा उसको मतलब प्रैक्टिस कर लेता है। अच्छा इसका उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी पहले। फोर एम जी इज इक्वल टू एम प्लस एम ए, तो ए पूछा हुआ सर? नहीं ए पूछा सर। अच्छा ए पूछा गया। हाँ एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा गया है। ओके तो ए तो हो गया सर, ए हो गया 4F माइनस माइनस नहीं जी आएगा सर माइनस का जी, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। 4F आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा, क्लियर है थर्ड सर। ठीक है सर, ठीक है सर आगे बढ़े। हाँ क्वेश्चन नंबर 16, इन द सिचुएशन शोन बिलो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, आल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन इफ द फोर्स इज शिफ्टेड फ्रॉम द अपर ब्लॉक टू द लोअर ब्लॉक। अच्छा सर ये कहना चाह रहा है कि एक बार तो अपन को इस केस के अंदर फाइंड करना है, ठीक है, एक बार उसको जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो फाइंड करना है। अच्छा मतलब ये वाला फोर्स एक बार यहां लगा देंगे तो फोर्स लगा देंगे, तो एक बार मैं यहां डायग्राम बनाना सर यहां पर इसका। हां सर ये 1 kg, ये लग रहा है 6 न्यूटन, और ये ब्लॉक कितने का सर 2 kg का, ठीक है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है इसका दे रखा है 0.2, नीचे है ही नहीं, नीचे है ही नहीं, नीचे पर नहीं मतलब नहीं। हाँ तो सर अपन एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं, ठीक है, या सरफेस तो है दे रखी है, ये स्मूथ दे रखी है, दे रखी है सर। इसको है ना क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा तरीका अपन कर सकते हैं, अपन को बताया कि इनके बीच में फ्रिक्शन है वो तो वेरिएबल रहेगा, मतलब वो वेरिएबल रहेगा, ठीक है वेरिएबल रहेगा रहेगा, तो अपन लेकिन उसके सर एक लिमिट है, वो एक लिमिट से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एक बार मैं एफ मैक्स लिख लेता हूँ उनके बीच में जो रहेगा वो है 0.2 × n, मतलब कुछ भी हो जाए फ्रिक्शन 2 न्यूटन से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक है कि अपन जब इनिशियल करेंगे तो ये वाला जो ब्लॉक है ना ये आगे की ओर मूव करना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स अपने इस पर लगा है। अच्छा ये फोर्स आगे लगेगा, हाँ क्योंकि फ्रिक्शन तो बाद में जनरेट होता है, बाद में। अच्छा मतलब पहले फोर्स लगता है, उसके बाद फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है ठीक है। तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ एफ, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ एक्शन का रिएक्शन एफ यहाँ लगा दिया, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल 2 kg और 1 kg, ठीक है। अब सर मैंने ये एफ लिखा, एफ मैक्सिमम नहीं लिखा है। हाँ। अब इसमें इसमें सर करने का बहुत सारा इजी तरीका होता है, बच्चे भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, मुझे लगता है कि इसको ऐसा करना चाहिए, लेट अपन मान लेते हैं दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक, लेट एज्यूम लिमिटिंग लिमिटिंग से बात भी करेंगे, लेट मूविंग टुगेदर, तो ये साथ में मूव करेंगे इसका एक्सेलरेशन भी ए रहेगा और इसका भी एक्सेलरेशन ए इसका भी ए रहेगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन सर क्या आएगी, 6 − f इज इक्वल टू 1 × a, और इसकी आएगी f इज इक्वल टू 2a, 2 × a, और अपन ऑलरेडी मान चुके हैं कि मूविंग टुगेदर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो ये सर एक बहुत अच्छा मेथड होता है क्वेश्चन करने का, ये क्या 1/2 आ गया, तो
तो 12 माइनस 2F इक्वल टू F, टू F. तो ये सर आप उनके पास आ गया 3F इज इक्वल टू 12 F की वैल्यू आ गई इक्वल टू 4 आ गया. अब सर देखो अपने F का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता था 2 न्यूटन हो सकता था और जब ये कितना आ गया 4 मतलब यहां 4 न्यूटन तो ये साथ-साथ चलेंगे नहीं F मैक्सिमम 2 ही हो सकता है. अच्छा उससे ज्यादा नहीं उससे ज्यादा हो नहीं सकता ठीक है और अपने तो ये साथ में अज्यूम किया तो 4 आ रहा है इसका मतलब तो पॉसिबल नहीं है तो मतलब इस F का वैल्यू 2 से ज्यादा हो नहीं सकता ठीक है इसका मतलब ये दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं अलग अलग मूव करेंगे. हाँ तो ये सिंपल सा है अपने F हमेशा पहले निकाल देंगे दोनों को अज्यूम कर लेंगे कि दोनों ये साथ में मूव कर रहे हैं इसे F निकाल देंगे. यदि F इससे ज्यादा आ जाता है इसका मतलब साथ में मूव कर ही नहीं सकते मैक्सिमम वैल्यू इतनी पॉसिबल है क्योंकि मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि मतलब ये F मैक्सिमम ये 2 न्यूटन आएगा तो इस पे मैक्सिमम 2 न्यूटन ही लगेगा 2 न्यूटन लगेगा और आपने लोगों ने माना F. हाँ. सही बात है तो ये तो मतलब चलेंगे ही नहीं चलेंगे नहीं तो अलग-अलग सॉल्व करना अलग-अलग सॉल्व करने का सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है. और यदि अपन को स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक अलग नहीं दे रखे हैं तो दोनों पर जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो 2 न्यूटन ही लगेगा इसमें शायद सर एक ही दे रखे हैं एक ही दे रखा है. हां तो दोनों पर सर एक्सीलरेशन सॉरी जो फोर्स है वो 2 न्यूटन ही रहेगा ठीक है. ये बताइए सर एक बार जरा तो ऑप्शन देख लेते हैं इन्होंने सर एक्सीलरेशन पूछा है एक्चुअली एक्सीलरेशन पूछा है तो सर वापस यहीं से करना पड़ेगा तो अपन को पता चल गया कि दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं ठीक है. इसका मतलब दोनों का एक्सीलरेशन अलग रहेगा और फ्रिक्शन मैक्सिमम काइनेटिक के बराबर अब लगेगा वो आ गया अपना 2 न्यूटन वो 2 न्यूटन तो इस पर सर फोर्स लग रहा है और ये लग रहा है 2 ठीक है. तो इसका जो एक्सीलरेशन रहेगा वो रहेगा 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड पर सेकंड. और इसका जो एक्सीलरेशन रहेगा ये मतलब इधर तो 2 ही लगेगा फिर इधर 2 लगेगा 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड. तो एक का तो है सर 4 ऊपर वाले का तो है 4 ठीक है नीचे वाले का है तो भाई ऊपर वाले का लिख लो तो 4 नीचे वाले लिख लो 1. अब सर अपन ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन चेक कर लेते हैं ये सब मिटा देते हैं हम ठीक. तो 4 और 1 वाले ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो 4 और 1 वाला तो एक चौथाई बनना है चौथाई बन रहा सर ठीक है. और ठीक है ये तो पहले वाले का है सही है ठीक है. अब दूसरा उन्होंने पूछा है दूसरा वाला अगर इसको करना है नहीं छोड़ सकते मगर एक बार आप ये बताइए ये कैसे करा जाएगा बोथ ब्लॉक मूव सर फिर अपन उसी मेथड से वापस कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया कि इस बार ये जो फोर्स है वो इधर लगा दिया ठीक है. तो सर अपन फ्री बोर्ड डायग्राम यहां से शुरू करेंगे 6 वाला से ये 2 केजी सर सर 2 केजी ये 6 ठीक ये F F आगे F मैक्सिमम का वैल्यू अभी भी सर वही आएगा अपना वही आएगा 2 न्यूटन ही आएगा 2 न्यूटन आएगा ठीक है. अपन मान लेते हैं दोनों साथ में मूव कर रहे हैं ये A ये A ठीक है. तो ये मतलब यहां से आपने मतलब A आ जाएगा 6/3 ये आ गया 2A ठीक है और वो आ गया F is equal to A हाँ, ठीक है. इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6 माइनस F डिवाइड बाय F F is equal to 2 तो F की वैल्यू आ गई ये आ गया 6 is equal to 3F 3F F का वैल्यू आ गया 2 इसका मतलब इसके बराबर आ रहा है इसके बराबर आ तो इन तरफ साथ-साथ चलेंगे साथ-साथ में चलेंगे ठीक है. और साथ में चलेगा तो सर एक्सीलरेशन सीधा-सीधा लिख सकते हैं A is equal to 6 divided by total mass. Total mass is 3. हाँ 3 आ गया. 2 plus तो ये क्या? 2 meter per second ठीक है. अब जैसे भागवत सर हमने ये करा. अब मैं जैसे मान लो ये maximum friction लग रहा है. तो अगर ये आगे चल रहा है तो इसमें एक पीछे pseudo force मान सकते हैं हमने क्या? उससे भी कर सकते हैं. उससे कर सकते हैं. हाँ. तो एक बार अगर हमने करने की कोशिश करें तो ये कितना इसमें force लगेगा? M लगेगा. अगर ये friction से ज्यादा हो गया तो ये पीछे भागने की कोशिश करेगा. ठीक है. तो ये M कितना हो गया? 1 और एक्सीलरेशन आपने कितना लिखा? 2 सही है. तो 2 ही आएगा मतलब साथ-साथ चलेगा. ठीक ठीक आगे बढ़ते हैं. हां अब आगे बोल रहा है ये फाइंड द मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर व्हिच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक ऑफ मास m फ्रॉम द स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगल ब्लॉक ऑफ मास m ऑन द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग आर पुली आर लाइट. तो देखो सर इसको अपन लोग अगर करने की कोशिश करें अब ये ब्लॉक तो नीचे आने की कोशिश करेगा. ठीक है. अब ये बोला इसमें कितना मास रखें जिससे ये M1 का मास कितना होना चाहिए जिससे ये ब्लॉक साथ-साथ चले. मतलब ये ब्लॉक दोनों को साथ में चलाना है. हाँ अच्छा. तो मतलब इसका मतलब ये इसके रिलेटिव मूव नहीं करना चाहिए. रिलेटिव मूव नहीं करना चाहिए. इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए. हाँ दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए. अब एक तो अब इसको देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा. अगर मान लो इसमें फोर्स मैंने मान ली इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूं मैं A. हां तो अब इसमें टेंशन कितनी लगेगी? T. T. तो इस पे भी टेंशन कितनी लगेगी? T. T. तो फोर्स जो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट से अगर सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन इसका a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a होगा. तो इसका भी सर लिख लेते हैं एक बार एक्सेलरेशन इसका भी a रहेगा. a आ गया. हां अब अगर ये a आ गया तो मैं क्या करता हूं ना इसके सीधे स्यूडो फोर्स लगा देता हूं इसका अपोजिट में. अच्छा उस पर m लिख दिया तो अपन दूसरे ब्लॉक में बना ना ये. हां सर इधर तो आपको क्या थोड़ा इजी रहेगा.
आप जो बोलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसका एम ए, और आप ये बोलोगे इधर आएगा एम ए, एम ए आ गया। अब सर बोलो अभी आप जैसे ये एंगल है कितना थीटा दे रखा है। हाँ सर ठीक है, तो इसके अगर मैं कंपोनेंट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा एम ए कॉस थीटा आ जाएगा बिल्कुल। और ये कितना आ गया हमारे पास एम जी साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा चल नहीं रहा तो इसी डायरेक्शन चल सकता है ये। अच्छा मतलब इस डायरेक्शन में दोनों साथ में चल रहे हैं। हाँ इसके लिए मूव नहीं कर रहा, मतलब इस प्लेन के अकॉर्डिंग नहीं मूव करेगा। हाँ तो एम ए कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को बराबर कर लो। हाँ बराबर कर लेते हैं, एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो ए हमें मिल जाएगा यहाँ से, ये आ गया जी टेन थीटा, सही है सर। अच्छा इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि इस सिस्टम का यदि एक्सेलरेशन जी टेन थीटा हुआ था एक दूसरे को कोई स्लैप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मतलब ये दोनों साथ में मूव करेंगे। हाँ वो बड़ा वाला ब्लॉक और छोटा वाला। अच्छा तो मतलब फिर तो ऐसा हो गया सर, यदि इस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे और साथ में स्लिप नहीं किया तो इनको अलग अलग अपन क्यों अज्यूम कर रहे हैं, अपन साथ ही मान लेंगे एक सिस्टम मान लें एम प्लस एम है ये। ठीक है और इसको आपने कर रखा है इससे करेक्ट एम डैश से, ये एम डैश की वैल्यू पूछी है इसने, एम डैश की वैल्यू पूछी है। हाँ तो क्या सर अपन दोनों को साथ में अज्यूम करके एक्सेलरेशन तो अपन को पता चली गया कि एक्सेलरेशन है ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, जी टेन थीटा आ गया। तो क्या अपन सीधी इक्वेशन लिख लेंगे सिस्टम की, लिख लो सर। तो सर अपन इक्वेशन लिख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं, एक्सेलरेशन पता चल गया। हाँ तो शायद सर देखो इसको ये वाला फोर्सेस मूव कराएगा और तो कोई मैं एक्टर आई नहीं है नहीं, एम एंड एम वन जी जी इक्वल टू इज इक्वल टू ये हमारे पास एम प्लस एम तीनों को मास लेना पड़ेगा। हाँ। सिस्टम लिया इसलिए ना। हाँ एम एम प्लस एम प्लस एम डैश एम डैश और ए लिख दो आप ए। हाँ ए अपने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो इसको जी टेन थीटा लिख लेते अभी, जी टेन थीटा लिख दो यहीं पे, जी टेन थीटा जी टेन थीटा जी से जी क्या जी कैंसिल हो गया। अब हमसे इसने पूछी कि इसकी वैल्यू है एम डैश की वैल्यू सर, तो ये होगा 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है इज इक्वल टू एम प्लस एम टेन थीटा, एम टेन थीटा। अभी बार सर ऑप्शन चेक कर लेते किस फॉर्म में हमें, हाँ वो तो एक बार मैं एक यहाँ लिखूँ सर में फिर अपन आराम से चेक कर लेते। तो एम डैश आ गया ठीक है। हाँ एम डैश आ रहा है एम प्लस एम 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 प्लस एम टेन थीटा, टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा, तो ये अपना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है अब एक बार अपने लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं दोनों मूव नहीं करेगा सर। तो आप देखो सर इसमें जो आंसर है ना वो कॉट थीटा, कॉट थीटा में, तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो ये टेन थीटा तो 1 अपॉन टेन कॉट थीटा हो गया, ये कॉट थीटा आ गया तो कॉट थीटा इधर पहुंच गया, कॉट थीटा तो ये आंसर हो गया अपना। हाँ जी हो गया पहला हो गया। ठीक है सर फिर दे तो बहुत इजी हो गया आगे बढ़ा। हाँ, इसमें सर अच्छा कौन सा यूज हो रहा था, सोलर फोर्स यूज कर रहे थे। हाँ सोलर फोर्स और उसके रिलेटिव मूव नहीं कराने के लिए उसके अलावा अपन फोर्स जीरो कर रहे थे सो दैट कि उसके अलावा एक्सेलरेशन ना रहे। हाँ ये क्या ना सर, चलो ठीक आगे बढ़ते सर आगे बात करते हैं सर। इक्वेशन है सर्कुलर डिस्क विद अ ग्रूव अलोंग द डायमीटर इज प्लेस हॉरिजॉन्टली, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 केजी इज प्लेस एज शोन, if the coefficient of friction between the block and all surface of groove is ye mu sir de rakha hai 2 = 5 aur the disk has to acceleration 25 meter per second square, acceleration bhi sir bahut acha khasa diya hai unhone, to main draw kar deta hu yahan par matlab wo aayega aur iska acceleration hai a that is 25 aur yahan par ek groove hai aur iske beech mein ek koi block hai ye फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू डिस्क। ओके सर तो ये क्वेश्चन कुल मिला रही है कि एक यहाँ ग्रूव है, ग्रूव का सर मतलब ये हुआ कि बीच में कोई स्पेस है जहाँ पर वो, अच्छा ये जो डिस्क है ये चक्की इसमें से कुछ काट के निकाल उसमें कुछ उसमें रख दिया डायमीटर के अलोंग काट के रख दिया वहाँ पर। ठीक है और ये मूवेबल है इसलिए बोला है एक्सेलरेशन कितना रहेगा। अच्छा ठीक है और अब सर इस क्वेश्चन को करने का मेथड ये रहेगा कि अपन इसमें सूडो फोर्स यूज कर लेते हैं। ठीक है सूडो फोर्स से मुझे पता चल जाएगा कि ये जो ब्लॉक है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव होने की ट्राई कर रहा है, ये जो इसके अंदर रखा है ना वो सर। अच्छा ठीक है तो एक बार मैं सर सूडो फोर्स लगा लेता हूँ, सूडो फोर्स इसके ऑपोजिट में लगेगा, अपोजिट मतलब एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट ही लगता है, अपोजिट ये हो गया एम। ठीक है अब देखो सर यहाँ से अपन को समझ में आ रहा है कि जैसे ही सूडो फोर्स उधर लगा, सूडो फोर्स सर अपन उस डिस्क के ऊपर जाकर देख रहे हैं तो अपन देखेंगे तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है उधर टच हो जाएगा, उधर भागने की कोशिश, उधर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है और उधर एक ग्रूव का एक सर
इसमें एम जी लगेगा नीचे की ओर। अच्छा, मतलब इसमें दो सरफेस हैं। सरफेस तो तीन है लगे, तीन दो जगह टच करता रहेगा ये। अच्छा, दो जगह टच कर रहा है। हाँ अच्छा, एक तो उससे टच कर रहा है। हाँ ठीक है, और एक जिस पर रखा हुआ वहां पर टच कर रहा है। अच्छा, एक तो ये वाला सरफेस हो गया। हाँ बिल्कुल, और ये वाला बाउंड्री बता रहा है। हाँ, एक तो ये वाला सरफेस, बीच वाले सरफेस, और एक ये टच करेगा यहाँ पर सरफेस। अच्छा, और एक यहाँ, तो तीन होगा सरफेस। हाँ, और तो मैं इस एमजी के अगेंस्ट लगेगा एन। हाँ लगेगा, हो गया हो गया, ओके सर। अच्छा, तो इस एम के, अब जब हमको बताया कि ये थीटा डीवी कितना आएगा, थीटा थीटा आएगा, मतलब इसके साथ जो एंगल आ रहा है वो थीटा आ रहा है। थीटा आ गया, तो इस एम के कंपोनेंट इधर आएंगे। ये तो एम ए कॉस थीटा हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा, और ये एम ए साइन थीटा हो जाएगा, एम ए साइन थीटा। अब सर देखो, अभी भागवत सर जैसा आपने ये लिखा है, तो एन ये वाला आपने एन लिखा है, जो ये वाला सर्फेस लगा रहा है। हां वो वाले सर्फेस। अच्छा, मैंने ये एन एन वन लिखा, ठीक है। अच्छा ये N1 MG के वाले वजह से, N1 है वो MG के कारण, ठीक है ठीक है। और ये जो है वो इस MA sin theta के कारण है, ठीक है ठीक है। और सर क्या पूछा है, हां अब ये जो है, ये ब्लॉक उधर जा नहीं सकता क्योंकि वो साइड आ गई, नीचे नहीं जा सकता। इसका मतलब सिर्फ ये वाला फोर्स इसको मूव करेगा। अच्छा, MA cos theta इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, नीचे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन दे रखा है। अच्छा, फ्रिक्शन भी दे रखा है, वो इसको अपोज करेगा, वो अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन तो सर दो जगह लगेंगे, दो जगह लगेंगे, सर दो जगह नॉर्मल रिएक्शन लगा हुआ है। हाँ हाँ, और दो जगह कांटेक्ट में है, ठीक है। तो दोनों जगह लगेगा, एक तो सर लगेगा इस साइड पर। अच्छा, एक तो आपने ये बता दिया इस वाले सरफेस की, जो ये लाइन है। हाँ, इसके कारण, ठीक है। और एक लगेगा नीचे वाले सरफेस के कारण, जो इसका बॉटम सरफेस होगा, बॉटम सरफेस उसके कारण। अच्छा, तब क्वेश्चन तो बढ़िया, मतलब दो फ्रिक्शन आ रहे हैं इसमें, दो फ्रिक्शन आ रहे हैं सर। जो बच्चा जनरल एक ही मान के चल रहा है, एक ही मान के चल रहा है, दो फ्रिक्शन आ रहे हैं। इसका मतलब अब इसका जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा ए वन, ये सर ए वन आएगा विद रेस्पेक्ट टू डिस्क आएगा। हाँ ठीक है, तो सर मैं इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ, एम ए, एम ए कॉस थीटा माइनस एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू एम ए वन, ठीक है। एम वन दे रखा है, एम वन दे रखा है, वन 25 दे रखा है सर, कॉस थीटा वैल्यू भी दे रखा है सर, कॉस थीटा दे रखा है, कॉस थीटा 4/5 कॉस 4/5 माइनस म्यू तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2/5 एम ए वन, ए है 25 माइनस ये 25 गया, ठीक है, हो गया 6 और ये आ गया 10, नहीं ये बचेगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू a1, तो a आ गया, a1 आएगा 10, a1 आ गया 10, तो इसका आंसर हो गया, सेकंड आंसर आ गया सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है। तो आगे बढ़े, हाँ सर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये बोला इन द सिचुएशन shown below all the surface in contact have coefficient mu, what is the maximum F that can be applied so that equilibrium of the system is not disturbed, if force exerted is double that of the what is found in A, find the acceleration of the blocks। तो अब इसको सर अपने लोग इसमें बोल रहा है कि what is the maximum force F, मतलब कितना maximum आप लगा सकते हैं जिससे ये system equilibrium में रहे। अच्छा, मतलब equilibrium disturb ना हो, मतलब ये चल नहीं रहा है, मतलब जस्ट कंडीशन है, क्योंकि मैक्सिमम पूछ लेना इसलिए। हाँ अच्छा, मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम तो जस्ट इक्विलिब्रियम को टच करने वाला ही है, खत्म करने वाला ही है, करने वाला ही। अच्छा, इसका मतलब सर यू आगे जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, अगर उससे ज्यादा लगा तो ये चलने रहेगा। अच्छा, बात हमें पहुंचना नहीं है। तो ठीक है, मैक्सिमम पूछा इसलिए अपन फ्रिक्शन लेंगे, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। तो अब इसको अपने लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, तो जैसे आप एफबीटी बनाते हैं, यही बना दूंगा सर। हाँ यही बना लेंगे सर। तो अगर ये एफ है तो इधर भी कितना होना चाहिए हमारे पास, ये पहले एक काम करते हैं, इसको अपने लोग ये बताना चाहता हूँ सर, ये एफ ये है,
ये एफ है, ये लगाए। अच्छा सर ये आप लगाए, इसके हम लोग तो इमीडिएटली टी का होने मिल जाएगा। हाँ इधर टी आ जाएगा हमारे पास, तो ये टी करेगा सर, फिर ये भी टी करेगा, ये भी टी आ जाएगा। और इस टी के कारण ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर लगेगा हमारे पास। तो मैं यहाँ डायग्राम बताऊँ सर, आपने बोल रहे हो ये टी टी, और सर यहाँ मैक्सिमम लिख लेते हैं क्योंकि अपने तो डिस्कस कर लिया अभी। हाँ तो ये आ जाएगा म्यू एम जी, आ म्यू एम जी ये आ गया हमारे पास। तो फिर अब सर इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, दूसरा बना लेते हैं। इसका सर कितना एफ, एफ इक्वल टू है एफ और इधर लगेगा टी टी, और ये फ्रिक्शन लगेगा इसका प्रोजेक्ट म्यू एम जी, ठीक है सर। तो अपन को यदि मैक्सिमम पूछा तो अपन को टी का वैल्यू सीधा सीधा आ गया म्यू एम जी, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ चलने लगेगा। तो टी का वैल्यू सर अपन लिख लेते हैं म्यू एम जी, एम जी ठीक है। ठीक है सर, तो एफ इक्वल टू सर किसके बराबर हो गया, एफ इक्वल हो गया टी प्लस म्यू एम जी, एम जी नहीं सर एक चीज और देख रहे, बोला ऑल द सरफेस इज इन कॉन्ट है। अच्छा सभी सरफेस पर है, सभी है, इसको नीचे भी है। हाँ एक फ्रिक्शन ये भी आएगा। ओ ये तो सर गड़बड़ हो गया, एफ वन हो गया, एफ वन मान लेते हैं तो ये आ जाएगा म्यू, एक मिनट सर, अरे यार एफ वन आएगा, एफ वन आएगा म्यू म्यू एम प्लस स्मॉल एम इनटू, मतलब यहाँ का पूरा जी लेना पड़ेगा। हाँ जी लेना पड़ेगा, तो ये एफ आ गया टी प्लस म्यू एम जी प्लस एफ वन, एफ वन हाँ आप सही है, तो भी मैं बोल रहा था ना इसे सब लिखा है सर। हाँ ठीक है, तो सर एफ का वैल्यू अब क्या लिख लें अपन, टी का वैल्यू म्यू एम जी, टी का वैल्यू सीधा लिख रहे सर टू म्यू एम जी प्लस टू म्यू एम जी म्यू एम प्लस एम जी, एम जी आ गया, तो ये तो सर आ गया थ्री म्यू एम जी प्लस म्यू कैपिटल एम जी, एम जी। इस बार आंसर चेक करते हैं, ये सर इंटीजर में दे रखा है, आंसर चेक करते हैं, नहीं सर यही आंसर है म्यू। अच्छा अच्छा म्यू कॉमन ले लेते हैं। हाँ तो कैपिटल एम तो सिंगल आ ही रहा और थ्री एम स्मॉल है ही, सही यही आंसर आ रहा है। ठीक है सर फिर तो ये हो गया, तो हाँ अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब ये बोला ये इफ द फोर्स एग्जर्टेड इज डबल, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि या तो एफ है ना इसका वैल्यू डबल कर देते हैं, ठीक है तो फिर सर ये तो चलने लग जाएगा, चलने लगेगा क्योंकि हमने ये अभी कंडीशन निकाली ले रखी है। हाँ कितना मैक्सिमम होगा, अब एफ जो वन लग रहा है वो लग रहा है टू एफ के बराबर। हाँ इसका मतलब हो गया सिक्स म्यू एम जी, एम जी प्लस प्लस टू यू म्यू एम जी, म्यू एम जी आ गया, म्यू एम जी आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है अब हमसे बोला क्या है इसने, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछा है, ए इसका ए ये आ गया हमारे पास, मैं इसे मिटा देता हूँ, ये अपना नया फोर्स आ गया एफ वन, एफ वन नए पेज पे लिखे सर। हाँ सर चलो एक बार लिखो, मैं डाटा बता देता हूँ, बता देना सर टी टी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए, एम ए आ गया, इक्वेशन नंबर वन हो गई। ठीक है उसकी इक्वेशन वो एफ वन सर वो लग रहा है एफ वन, मैं सीधे लिख रहा हूँ सिक्स म्यू एम जी प्लस टू प्लस टू म्यू कैपिटल एम जी माइनस माइनस, अब ये सब माइनस करना पड़ेगा हमें, म्यू एम जी माइनस टी माइनस टी और माइनस सर वो भी आएगा वापस म्यू एम प्लस स्मॉल एम जी इक्वल टू आ रहा है इक्वल टू एम प्लस एम ए, एम ए आएगा। हाँ ठीक है अब हम सर क्या करते हैं दोनों को ऐड कर लेते हैं। हाँ एक बार सर इसका कलर चेंज कर लीजिए, दिखेगा नहीं, कर दिया कर दिया सर रेड, ठीक है इसको अपन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे तो सर सीधा सीधा ये आ जाएगा कि इस टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा देखो सर सिक्स यस म्यू एम जी, सिक्स म्यू एम जी आ गया। ऐसा तो करना चाहते हो सर ये है टू म्यू, ये सर कैपिटल एम, ठीक है एम जी, और ये हो गया माइनस टू म्यू एम जी, एम जी आ गया माइनस म्यू कैपिटल एम जी, कैपिटल एम जी माइनस म्यू स्मॉल एम जी, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए, कैपिटल एम ए, ठीक है। अब अपने पास ये आ गया सिक्स एट, नहीं ये अलग है सर, ये सिक्स है छोटा वाला और एक दो है ये एट, एक ये थ्री और ये आ गया म्यू एम जी, ठीक है इज इक्वल टू एम, अरे सर एक थोड़ी मिस्टेक होगी, ये एम है इस एम को मैंने ऐड नहीं किया। हाँ ये इसको मैं वो तो सर क्या है मिस्टेक तो आपको बताया एम ए एम इनटू ए, ठीक है तो ये हो गया एम प्लस एम प्लस एम एम ए,
ये सर मेरे पास आंसर आ गया 3μmg प्लस म्यू कैपिटल एम जी डिवाइड बाई एम प्लस आ गया सर। ठीक है सर। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है टू आइडेंटिकल ब्लॉक ए एंड बी ईच ऑफ मास एम आर कनेक्टेड थ्रू ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस आर म्यू सोन इनिशियली द स्ट्रिंग इज रिलैक्स्ड इन इट्स नॉर्मल लेंथ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए एज सोन फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अब देखो सर इसमें आप लोग अगर बात करें तो जैसे जैसे हमें फोर्स दे रखा है तो अब ये समझ में आ रहा है फ्रिक्शन तो पर मैं क्या करता हूँ ना इसमें पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा तो दोनों में सर बराबर रहेगा दोनों को मैक्सिमम लिख लेते हैं मैक्सिमम हो गया सर ये आ जाएगा म्यू एम जी आ रहा। अब इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है एफ इक्वल टू 3/4 म्यू एम जी तो मतलब ये जो फोर्स है इस पर तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है तो ये जो फोर्स लग रहा है ये इस वाले फ्रिक्शन से कम है तो इसका मतलब ये मूव होने ट्राई नहीं करेगा तो ये मूव ही नहीं हो पाएगा इसका मतलब पहले फ्रिक्शन ही काम कर जाएगा पहले फ्रिक्शन से आपने बताया था पहले फोर्स आता है हाँ। फिर उसके बाद फ्रिक्शन आएगा। हाँ। ठीक है तो इसके मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि फर्स्ट केस के अंदर जो फ्रिक्शन की वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी 3/4 म्यू mg इसका मतलब टेंशन जीरो इसमें जीरो हो गई टेंशन तो प्रोड्यूस ही नहीं होगी। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा फिर तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। ओके ओके ये तो टेंडेंसी नहीं है इसके चलने की फोर्स लग नहीं रहा है। हाँ तो ये तो चलेगा नहीं हमारा बी वाला। चलो तो पहले वाला तो पहला वाला तो हो गया। अब सर सेकंड वाला जो सेकंड वाला बोल रहा है इफ एफ इक्वल टू 3/2 म्यू एम जी। अच्छा जो अपने म्यू एम जी निकाला उससे ये ज्यादा है ये उससे ज्यादा है। हाँ तो अब क्या होगा इसमें जो फ्रिक्शन आपने अभी निकाला ये कितना लग जाएगा म्यू एम जी म्यू एम जी लग जाएगा और इसमें अब तो टेंशन आएगी सर इसमें। अच्छा अब टेंशन आ जाएगी क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है फोर्स जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है। अच्छा तो अब अपन लोग मान ले अगर इसमें टेंशन इधर आ गई टी। ठीक है अब देखो इसमें पूछा गया है हमसे वो टेंशन और फ्रिक्शन देगा सर अपन ऐसा कर सकते हैं क्या इसके अंदर अपन देख लेते हैं कि सिस्टम मूव करने लगता है नहीं करता है। हाँ हमसे मेनली इसमें पूछा गया है तब गुट को पर लगने वाला घर्षण बल और डोरी में तनाव क्या बना। हाँ तो अपन क्या कर लेते हैं सर इसके अंदर वो मेरे साथ ज्यादा सही रहेगा अपन पहले ये देख लेते हैं कि टोटल नहीं मतलब मूव कर रहा है नहीं कर रहा है देख लेते हैं तो इस पर सिस्टम पर टोटल फ्रिक्शन जो लगेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम हाँ वो लगेगा 2μmg जबकि अप्लाइड फोर्स कितना है 3/2 μmg इसका मतलब सर सिस्टम मूव तो करेगा नहीं मतलब ये चलेगा ही नहीं है इसका मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा सर तो अभी आप जो बता रहे थे कि ये तो आपने लगाया कितना सर 3/2 μmg और इधर आप बोल रहे थे कि μmg रहेगा μmg जो बचा हुआ होगा वो कहां जाएगा हमारा टेंशन में चला जाएगा टेंशन में क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में इसलिए। ठीक है तो इन दोनों को यदि अपन इक्वल करते हैं जो सिंपल सा ही है तो टी कितना आ गया μmg/2 आ गया mg/2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर इस जो ब्लॉक बी है इधर टी तो μmg/2 लगेगा तो μmg/2 लगेगा इसका मतलब यहां फ्रिक्शन भी कितना लगेगा टी के इक्वल ये हां टी के बराबर है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन तो हमारे पास μmg है μmg है और उससे कम लग रहा टेंशन तो टेंशन और ये फ्रिक्शन हमारा सेल्फ एडजस्टिंग हो गया। ठीक है तो इस केस के अंदर फ्रिक्शन आ गया μmg/2 इसका मतलब इस पर तो आ रहा है μmg और इस पर आ रहा है μmg/2 एक बार आंसर चेक कर लेते हैं सर आंसर चेक कर लेते हैं तो पहले वाले पे अपना कितना आ रहा है μmg सही है टेंशन आ रही है μmg/2 ये भी सही है और फ्रिक्शन भी आ रहा है μmg/2 ये ठीक है। तो ठीक है बच्चों आज का ये न्यूटन स्लो मोशन के हमने क्वेश्चन काफी लेने की ट्राई की थी जिसमें हमने सीडो फोर्स को इंक्लूड किया था फ्रिक्शन को इंक्लूड किया है टू ब्लॉक सिस्टम को इंक्लूड किया है न्यूटन स्लो मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम उसको इंक्लूड किया है तो ओवरऑल हमने मैकेनिक्स मतलब न्यूटन स्लो मोशन को कवर करने की ट्राई किया था इसको आपको ढंग से स्टडी करना है बिकॉज ये बेस है हर एक टॉपिक का ये आपको ढंग से आएगा तो बाकी क्वेश्चन जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से अपना भी हो जाएंगे। ओके तो थैंक यू।